नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो आपके जीवन में यदि लागू होती है तो आपको उसके बारे में सब पता चल जाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर, घर परिवार पर, दुकान पर, मकान पर किसी ने भी कोई तांत्रिक क्रिया करवा रखी है ऐसा शक है, या कोई प्रेत आत्माएं मंडरा रही है ऐसा शक है, या कोई पैसाचिक साया है जो पीछे आ गया है घूमते घूमते ऐसा शक है, कोई भी ऐसा शक हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके घर में आपको अशरीरी लगती है, पराई दुनिया की लगती है और आपको लगता है कि इससे काफी डिस्टर्बेंस महसूस होता है, आम तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप आज जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से उस आदमी का, उस प्रेत का, उस भूत का नाम पता जान सकते हो या उसका नाम पता जान सकते हो जिसने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है, टोना टोटका करवाया है या कुछ ऐसी सिस्टम कर रखा है तंत्र मंत्र का जिससे आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, आप हालत खराब हो जाए आपकी, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये पूरी व्यवस्था आपके लिए करके रखी है। तो यदि आपको पता करना है वो कौन है तो आज आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वो चीज बताऊंगा गुरु महाराज की कृपा से जिससे आपको क्षण भर में पता चल जाएगा कि वो कौन है। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा जिससे आप आसानी से अपने दुश्मन का पता चल सकते। एक तरीका है जिससे तो खाली पता चलेगा, दूसरा तरीका ऐसा है जिससे पता भी चलेगा और वो क्या चीज है जो अब आपके घर में राज कर रही है उसे निकाल करके भी फेंक देगा। तो मैं दूसरी चीज ज्यादा बताना पसंद करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा बलवान है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो पहली चीज है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वो सिर्फ आपको बता देगी कि कौन है, किसने किया है, आपकी जो इच्छा हो। तरीका एक ही है, सेम ही है, सिमिलर है, आपको दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए पहले तो आपको जांच करनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में आपके घर में कुछ ऐसा है। तीन चीजें ऐसी है जो कॉमन है, वो होगी ही। यदि आपके घर में किसी तंत्र क्रिया का कोई प्रोग्राम चल रहा है, किसी ने तंत्र क्रिया करवाई है या किसी ने टोना टोटका किया है या किसी ने कोई भूत प्रेत आपके घर पर ऐसे छोड़ा है, तंत्र के द्वारा सिफले वगैरह ऐसे कुछ छोड़ा है, कुछ जिन्नात वगैरह छोड़े हैं, तो तीन काम घर में पक्के होंगे। वो तीन काम ऐसे होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रात को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कोई कुत्ता आपके घर की तरफ ऊपर मुंह करके भौंकेगा। यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जांच करने का यह है कि आपके घर में यदि किसी ने तंत्र क्रिया कोई करवा रखी है तो क्या होगा कि आपके घर में दीवारें उन दीवारों में से कहीं ना कहीं किसी दीवार में दरार आ जाएगी, तरेड़ आ जाएगी, तो आप समझ लेना कि आपकी बात में कुछ दम है, करवाया। तीसरी बात यह है कि आप भगवान की जब भी पूजा करोगे तब अगरबत्ती या धूपबत्ती तो शोर करते ही होंगे, तो अगरबत्ती या धूपबत्ती करते हो तो वो धूपबत्ती या अगरबत्ती आधी ही जलेगी, पूरी नहीं जलेगी, और ऐसा कई बार होगा। ऐसा नहीं कि रोज होगा, रोज तो जल जाएगी, लेकिन कई बार आपके देखने में ऐसा होगा। अधिकतर औसतन ज्यादा औसत यही पड़ेगा कि आपकी जो अगरबत्ती है वो पूरी नहीं जल रही। तंत्र का भी ऐसा है कि एक जैसा प्रभाव हमेशा नहीं रहता है, कितनी खतरनाक तंत्र क्रिया हो एक जैसा चलेगी नहीं, एक जैसा चलेगी नहीं कभी। ये नहीं कि बीमार तो बीमारी बीमार बीमारी बीमार, कोई रो रहा तो रो ही रहा नहीं, थोड़ा ठीक होगा, 10 मिनट ठीक होगा, 2 घंटा ठीक होगा, 5 घंटा आपको लगेगा ठीक है, फिर अगले घंटों में फिर महाभारत शुरू, फिर काम खत्म, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा काम इसमें होता है तंत्र में। जब आपके घर में कोई तंत्र क्रिया करवा देता है तो बहुत सारा काम, एक तो बरकत नहीं होती किसी भी हालत में, बरकत नहीं होती, आप कितना ही कमा लो बरकत होती ही नहीं। लेकिन तंत्र, मैंने कहा ना कि तंत्र जो तंत्र क्रिया है वो पूरी एक जैसी कभी नहीं चलती, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है हाँ आज तो कुछ पैसा बचा है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि आज तो कुछ पैसा बचा है, कभी कभी लगेगा अगरबत्ती पूरी जली है। लेकिन आप वॉच करते रहिए, अगरबत्तियां आपकी बढ़िया से बढ़िया लाओ और नहीं जलेगी, पूरी अधूरी रहेगी।
ऐसा मैंने कई वीडियो में अपने पिछले वीडियो में पूरी व्यवस्था बताई है कि क्या क्या होता है, एकदम अणु बताया है कि क्या करने, क्या सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण से आपको आपके घर में तंत्र विद्या है की हुई है, तांत्रिक क्रियाएं की हुई है, भूत प्रेत जादू टोना ऐसा किया हुआ, इसका पता चल सकता है। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो आराम से आपको पता चल जाएगा। आज खाली ये जांच करने के लिए हाँ है, आपका अंदेशा जो है उसको पक्का करने के लिए आपके घर में तंत्र क्रिया है, बस आपको पता लगाना है कि ये किसने है। ये हमने आज तक अपने वीडियो में शायद नहीं दिया है, ये पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि ये डायरी हमको कई दिनों से गुरुजी की लिखवाई हुई डायरी कई दिनों से हमको मिली है, आज हमने देखा तो हमको पता चला कि हाँ ऐसा वीडियो भी हमको अपलोड करना चाहिए, तो इससे आप आराम से पता कर सकते हो। हमने आज तक इसका कोई प्रयोग नहीं किया, आपके लिए पहली बार ही होगा, हो सकता है कि एक बार में पता चले या नहीं चले, आपको दो तीन दिन लगातार करना है, करके देखिएगा, पक्का पता चलेगा कि गुरुजी ने जो बताई बातें वो गलत नहीं हो सकती, कभी होती भी नहीं है, उन्होंने तो प्रैक्टिकल बताया, कई लोगों के साथ जो उन्होंने किया भाई आपके साथ बताया, तो आप भी कीजिए, करके देखिए। क्या है इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए जिस पर जादू टोना किया गया हो ना या कोई बुरा साया हो, ऐसे आदमी को क्या करना पड़ता है, तीन चीजें चाहिए। एक तो जो अगरबत्ती आप जलाओ, जो अगरबत्ती या धूप बत्ती कुछ भी आप जलाओ ना, तो वो जो अगरबत्ती धूप बत्ती आपने जलाई है ना, वो अगर आधी रह गई है तो ही ये काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। अगर पूरी जल गई तो फिर काम का नहीं है आपके, आधी रह गई तो ही काम का, क्योंकि आधी है इसका मतलब उसमें प्रेत इन्वॉल्व है या फिर तंत्र क्रिया इन्वॉल्व है, उन्होंने छुआ है, उसको छूने से ही पकड़ में आएगी, जब तक छुआ नहीं तब तक पकड़ में नहीं आएगी। तो आधी अगरबत्ती जले तो आधी अगरबत्ती जो जली हुई की राख है उस राख को एक पुड़िया में डाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, अश्विनी नाम का नक्षत्र आता है, 27 नक्षत्रों में अश्विनी नाम का एक नक्षत्र आता है, उस अश्विनी नाम के नक्षत्र में आपको क्या करना है, दो चीजों की व्यवस्था करनी है। ये पहले से आप छांट के रखिए कि ये कहां मिलेगा, एक तो घोड़ा कहां मिलेगा, जहां घोड़ा मिले ना आपको, उस घोड़े के जो खुर होता है, खुर खुर का मतलब होता है घोड़े का जो पैर होता है ना, चार पैर होता है, उनमें से किसी भी पैर का कहीं भी वो पैर टिका दे तो जो जहां वो पैर टिकाता है उसको हम खुर बोलते हैं। तो वो जो पैर टिकाता है ना उसकी थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, नाम मात्र की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, एक मिट्टी होगी दो मिट्टी होगी, एक तो राख होगी एक खुर की मिट्टी होगी। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, तीसरी चीज आपको चाहिए अश्वगंधा की जड़, अश्वगंधा नाम का पौधा आता है, आशकंद भी बोलते हैं, नागौर साइड में ये बहुत होता है, राजस्थान में नागौर साइड में बहुत होता है, आपके पता नहीं होता होगा, आप पता लगा रहे हैं, आशकंद भी कहते हैं, अश्वगंधा भी कहते हैं। तो अश्वगंधा का जो पौधा होता है उस अश्वगंधा के पौधे की जड़ चाहिए, ये तीन चीजें आपको चाहिए। तीन चीजें चाहने के बाद में दो चीजें और चाहिए, ये किस लिए चाहिए, ये तीनों चीजों का आपको एक पैकेट बनाना है छोटा सा, जड़ का भी, जड़ भी उसमें डाल लीजिए, राख भी उसमें डाल लीजिए और घोड़े की मिट्टी भी उसमें डाल लीजिए, और तीनों का एक छोटा सा पैकेट बनाइए, एक थैली बनाइए, छोटी सी थैली सिलसिला के, उसको कैसे भी बनाते हैं अपने को चीजें बाहर निकल जाए इससे, ऐसी व्यवस्था रखनी, चाहे पॉलीथीन में डाल के रखो चाहे किसी में डाल के रखो, उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को मतलब ये है कि इसका पैकेट बन जाए और ये बिखरे नहीं, आपके पास जब तक काम नहीं हो तब तक सुरक्षित रहनी चाहिए। एक काम हो गया, अब अगला काम है आपको थोड़ा सा बतासों का प्रसाद लेके आना। बतासे तो आप समझते ही होंगे, बतासे मंदिरों में चढ़ाते हैं सफेद सफेद रंग के बतासे, बतासे लाने हैं, कितने लाने हैं, या आप एक पाव ले आइए, बहुत एक पाव बतासे ले आइए, और एक ले आइए नारियल, ऐसा नारियल जो सूखा हुआ हो और ऐसे बजाए ना, तो डमरू की तरह गड़गड़ ऐसे बजना चाहिए, वो नारियल ले आइए। अब क्या करना आपको, ये काम हो गया, अब जो काम है वो काम मैं बता रहा हूं। अब मैं दो काम बताता हूं कि एक तो नारियल को आपको हाथ में लेकर के जो मैं आज मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का 1100 जाप आपको करना है, और 1100 जाप करते करते सो जाना। दोनों ही मंत्रों में एक खास बात है कि आपको उपवास रखना है उस दिन, और उस दिन कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ पी सकते हो कोई भी चीज की ड्रिंक ले सकते हो, वो भी शराब की नहीं लेनी है, ड्रिंक ले सकते हो मतलब चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, मट्ठा पी सकते हो, दही पी सकते हो, ये सब चीजें पी सकते हो, पीने की जूस पी सकते हो, लेकिन शराब नहीं पी सकते, मांसाहार नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का नशा नहीं चलेगा, इस बात का ख्याल रखें। अब आपका प्रोग्राम होता है शुरू, रात जब आप बिस्तर पर चले जाओ तो वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को अपने सिरहाने कहीं टांग दो, माता जी का नाम लेकर, माता जी का नाम लेकर के सिरहाने उस थैली को टांग दो, माता जी मेरा काम हो जाएगा तो मैं प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा। एक बात, नारियल को हाथ में ले लो, नारियल को हाथ में ले लो या गोद में ले लो या गले में बांध लो या जेब में डाल लो, कोई ऐसा बना करके थैली कुछ भी कर लो, आपके शरीर के आसपास ही रहना चाहिए। अब आपको 1100 बार एक मंत्र, पहले ध्यान है,
पहले ध्यान करना है, फिर ध्यान करने के बाद में 1100 बार एक मंत्र बोलना है। मंत्र से पहले आपको ये निवेदन करना है कि हे मातेश्वरी, हम पर जिसने भी जादू टोना क्रिया करवा रखी हो अगर किसी ने, तो उसका चेहरा, उसका नाम, उसका अता पता सब कुछ आज हमको सपने में दिखा दे, तो माता रानी आपको सब दिखा देगी। और ये एक बात होगी। अब क्या है कि यदि किसी ने नहीं करवाया है ना, अगर आपको सब वहम है कि करवाया, किसी ने नहीं करवाया है, तो फिर माता रानी कुछ नहीं दिखाएगी, एकदम सपना आपको दूसरा आएगा, कोई गाय बिल्ली कुत्ते का वो सपना नहीं आएगा जिस सपने की आपको तलाश है। और अगर दिखा दिया तो इसका मतलब यह है कि फिर अब श्योर हो कि फलानी स्त्री या फलाने पुरुष ने ही आपके ऊपर यह तंत्र क्रिया करवाई है। अब इसके बाद में ये प्रार्थना करने के बाद में आप ध्यान करेंगे। ध्यान क्या है वो ध्यान में आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख भी दूंगा और फिर मैं बोल के भी बता देता हूँ। ध्यान स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यं फलाये वरदाय च मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शये। ये है ध्यान। इस ध्यान को करने के बाद में अब आपको माता रानी का मंत्र बोलना है। मंत्र 1100 बार बोल करके फिर आपको सो जाना है। मंत्र है ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वप्नेश्वरी ह्रीम ह्रीम क्रीम 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 ओम। इस मंत्र का 1100 बार आपको जाप करना है। जाप करके फिर सो जाना है। रात सपने में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जो है उसका पूरी तरह से पता चल जाएगा। सुबह ये प्रसाद किसी देवी मंदिर में जाकर के चढ़ा दीजिए। ये एक तरीका हुआ जिससे आपको खाली पता चलेगा और माता रानी कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक वीर मंत्र है जो बहुत प्राचीन और गजब का मंत्र है। यदि ये मंत्र आपने कर दिया तो पता चलेगा, और जिसने भी आप पर टोना टोटका तंत्र मंत्र कुछ किया है उसी पर वापस ट्रेन को ले जा करके उलट देगा, सारी खारी उसी पर ले जा करके डाल देगा, सारी क्रिया उसी पर वापस चली जाएगी। बस फिर क्या, 21 दिन तक इस वीर के नाम से हनुमान जी के मंदिर में रोटे का भोग चढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको आ गए वीर और बता दिया, आपको आपके जीवन में इन्वॉल्व हो गए वीर, शामिल हो गए, तो अब वीर का स्वागत जरूरी है। अब वीर का स्वागत के लिए आपको घी से गुड़ से रोटा बना करके ऊपर घी गुड़ रख करके बढ़िया, और हनुमान जी के मंदिर में 21 दिन तक रोटा चढ़ाना पड़ेगा, तुलसी चढ़ानी पड़ेगी, प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, सिंदूर चढ़ाना पड़ेगा, हनुमान जी की 21 दिन तक पूजा करनी पड़ेगी, तब वीर आपके घर में पूरी तरह से शांति करेगा, संतुष्टि करेगा, हर प्रकार की अला बला को निकाल करके दूर फेंकेगा। उस वीर का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगा, और मैं देख करके आपको ये मंत्र बताता हूँ। वो मंत्र क्या है, वो मंत्र है ओम वीर महावीर घाट के रुखाड़ा हाट के रुखाड़ा, मैं बुलाऊं तो शीश झुकाए के बुलाऊं, पेड़ा खुआए के बुलाऊं, दौड़ता भागता वीर आवे, झाड़ झंकाड़ उपाड़ता आवे, पत्थर पहाड़ उखाड़ता आवे, नदियों का नीर सोखनता आवे, दीठ मूठ दुष्ट दानों को पछाड़ता आवे, जादू टोना पीड़ फटकार को दिखावे, घात मारे घातिनी को दिखावे, नजर फटकार को दिखावे, बेरी दुश्मनी को दिखावे, ना दिखावे तो वीर ना कहावे, हनुमान की पूंछ पर ताल पड़े, काली माता की सैया तोड़े, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ये वीर मंत्र है। इस वीर मंत्र का आपको भाई कितना 1100 बार जाप करना है, टाइम लगेगा लेकिन 1100 बार जाप करना है। 1100 बार जाप अगर नहीं हो सकता है, मंत्र आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, 1100 बार इस मंत्र का जाप नहीं हो सकता, तो आप कम से कम 110 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर हिम्मत है आप में तो आप 1100 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। 110 बार तो करें ही करें, 110 बार करेंगे तो आपको 3 दिन लगातार करना पड़ेगा, और 1100 बार कर लेंगे तो एक दिन में आपका काम हो जाएगा। 3 दिन करें तो 3 दिन उपवास रखना पड़ेगा। और ये जो प्रसाद आपने ला के रखा है, ये प्रसाद नारियल सेम वैसे ही रहेगा, प्रार्थना भी सेम वैसे ही रहेगी, वीर के नाम से प्रार्थना होगी कि हे वीर आप हमारे सपने में आओ और आप हमको सब कुछ बताओ, जो भी जिसने भी हम पर जादू टोना किया उसके बारे में पूरा बताओ, तो वीर आपको पूरा बता देंगे। तो सुबह ये प्रसाद जो है वो प्रसाद नारियल के समेत हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके चढ़ाना। वार कोई भी हो, मंगल हो, शनि हो, रवि हो, वैसे मंगलवार सबसे बढ़िया रहता है इस काम के लिए, लेकिन कोई भी वार हो तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से आपके ऊपर जिसने भी तंत्र मंत्र किया उसका पता भी कर सकते हो,
और उस पर पलटवार भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारी साधनाएं हैं, प्रतिंगिरा की साधनाएं हैं, जैसे हमारे गुरु जी ने बहुत सारी अच्छे अच्छे साधनाएं बताया, तो मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया एक नंबर की टॉप साधना जो मेरे पास है वो आपको आज तक यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिली होगी, ऐसी ऐसी जबरदस्त साधनाएं मैं आपको दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें दूंगा जिसे देख करके आपको आनंद आएगा जीवन में और बहुत फक्र करोगे आप अपने इस चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय बाबा बजरंगबली की।